हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ नया मॉडिफिकेशन किया है अपने बाइक पर। सो फ्रेंड्स, आप देख ही चुके होंगे कि क्या वाला नया मॉडिफिकेशन है। जो लोग मुझको फॉलो करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं, वो उनको पता लग गया होगा कि कौन सा वाला मॉडिफिकेशन नया लग रहा है बाइक पर। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों से बारिश होने के कारण जो है, देख सकते हैं पानी काफ़ी भर चुका है यहाँ पे। और गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला सामने वाला जो कलर मैं चेंज करवाता रहता हूँ। सो गाइस, ये पहले ब्लू में था, उसके बाद हमने ग्रीन किया था, उसके बाद येलो किया था, और अभी हमने ऑरेंज कर दिया है। ये फ्लोरोसेंट ऑरेंज है, और आप देख सकते हैं ये पिक्चर में जब आपको थंबनेल दिख जाएगा, उसमें आपको पूरा पता लग जाएगा कि कलर कैसा लग रहा है। अभी वीडियो में उतने ज़्यादा कलर आपको दिख नहीं रहा होगा। सो गाइज, हमने ये कुछ किया है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हीरो का लोगो जो हमने सामने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, उसके ऊपर हमने रैपिंग पेपर चढ़ा के यहाँ पर लगा दिया है पहले। और आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कलर है और ये वाला जो कलर है, तो ये अलग है, क्योंकि ये जो है यहाँ से पूरा पार्ट जो है ये रैपिंग पेपर है। आप देख सकते हैं इस तरफ का पूरा जो पार्ट है ये हमने रैप कर दिया पेपर से। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा वाला हीरो जो हमने लिखा है, ये मैंने एक यूट्यूब से देखा था, वो उसका टैंक पे किया हुआ था स्प्लेंडर पे, और गाइस उसको देख के हमने यहाँ पे कुछ कर दिया है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक लेफ्ट से जो काफ़ी अच्छा लुक हमको मिल जाता है यहाँ पे। और गाइस, आप इसको कर सकते हैं, सिर्फ 50 रुपये पड़ेगा आपको। सो अगर आपका किसी और जगह पे मारना होगा, और अगर बड़ा भी करना होगा टैंक पे, अगर आप रैप करवा लेते हैं तो टैंक के ऊपर अगर आपको कुछ लिखना होगा, तो आपका अगर हीरो का कंपनी का गाड़ी है तो आप हीरो लिख लीजिएगा ऐसे कुछ। सो ये डिजिटल में पड़ेगा आपको, और जो आपको स्टिकर के दुकान पे आपको बोलना पड़ेगा अगर डिजिटल में जो है वो आपको काट के दे। जो वर्ड का मॉडिफिकेशन होता है उसका उसको आप देख लीजिएगा कि डिजिटल में हो, तभी ऐसा कुछ लुक जो आपको मिल पाएगा, वरना नहीं आएगा। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहले वाला किया था। सो नया नया कुछ मॉडिफिकेशन हम कराते रहते हैं अपने बाइक पर, तो हमको फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि मेरे नए नए वीडियो मेरे चैनल पर आते रहेंगे। और गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट्स है, तो गाइज यहाँ पे मैं बोल रहा था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट कलर करवाया था, जो कि एक पूरा येलो में था। येलो आपने पहले भी देखा होगा मेरे चैनल पर, अगर नहीं देखा होगा तो फिर जाके देख लीजिए पिछले वाले वीडियो में, उस पर मैंने ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन करवाया था। तो आपने देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाला कलर जो है वो पूरा फेड हो चुका है, कुछ कुछ जगह पे बची हुई है और पूरा सफ़ेद हो चुका है। तो पहले सफ़ेद ही मारना पड़ता है, उसके बाद फ्लोरोसेंट कलर जो है लगता है ग्रीन वाला, और वो येलो में लुक आ जाता है। आप देख सकते हैं ये येलो लग रहा है यहाँ से। और गाइज, वही वाला पार्ट हमने यहाँ पे किया था, इसको भी सफ़ेद करना पड़ा था और उसके ऊपर हमें कलर जो है चढ़वाना पड़ा था। तो वो फेड हो चुका था यहाँ पे पैर रखने के कारण, जो इस वाले यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन मैंने पिछले वाले वीडियो में दिखा दिया है आपको, और मैंने बोला भी था कि कुछ नया वाला रैपिंग करेंगे हम। सो गाइज, आप देख सकते हैं कि ये जो रैपिंग पेपर है जो कि सामने मैंने अपने वाइजर पर किया है, तो वही वाला पेपर है ये, और ये आपको 100 रुपये फीट पड़ेगा। तो ये आप ले लीजिएगा, और आप कहीं पर भी मार सकते हैं, अपने पैनल वगैरह पर हो, यहाँ पर हो, तो आप कहीं पे भी करा सकते हैं ऐसा कुछ। सो गाइज, ये वाला जो फ्लोरोसेंट पेपर, ये 50 रुपये फीट पड़ेगा आपको। सो ये भी एक रैपिंग पेपर ही है, और ये कार्बन फाइबर है, जो कि यहाँ पे पैर लगने के कारण ज़्यादा ख़राब होता है ये वाला पार्ट। सो इसलिए यहाँ पे हमने कार्बन फाइबर करवाया है। अगर मैं यहाँ पे ये वाला पेपर मारता, ये पूरा पार्ट मारता, तो गाइज ये पतला वाला पेपर है, तो यहाँ पे घिसने के बहुत चांसेस रहते हैं, और कुछ ही दिनों में जो है उठ जाता है ये वाला पेपर। तो गाइज, इसलिए हमने यहाँ पे कार्बन फाइबर मारा है, और आप देख सकते हैं कि 100 रुपये में आपको ऐसा कुछ लुक जो है मिल जाएगा। सो ये वाला मॉडिफिकेशन जो है, ये वाला पार्ट जो है साइलेंसर का कवर, ये इंडिया में किसी ने भी नहीं किया है, पाकिस्तान में एक बंदे ने किया था, और उसी को हमने देख के जो एक सोचा था कि कुछ नया वाला कराएंगे, वो बंदा ने कलर करवाया था और मैंने रैपिंग करवाया है। तो आप दूर से लुक देख लीजिए, आप किसी और कलर में अगर करवाना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। मेरा साइलेंसर जो है मैं कलर करवाता रहता हूँ, और जो फेड भी होता रहता है गर्म होने के कारण। सो गाइज, आप दूर से एक बार लुक देख लीजिए कि कैसा लगता है, और इस तरफ से आप लुक ऐसा कुछ देख लीजिए, और उस तरफ का मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो पोर्शन है, ये हीरो लिखा होने के कारण ये काफ़ी अच्छा एक लुक मिल जाता है आपको। और गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कलर है, 4 साल हो चुके हैं इसको, और आप देख सकते हैं कि इसका चमक जो है वो अभी भी बरकरार है यहाँ पे। और ये आप करा सकते हैं, किसी भी कलरिंग जो बंदे करवाते हैं तो वहाँ पर जाकर आप कलर करवा सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि 4 साल के बाद भी ये कलर जो है वो काफ़ी चमकता है। सो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और रिंग का कलर भी आप देख सकते हैं, इसको भी 4 साल हो चुके हैं करीबन। सो गाइज, इससे क्या होता है कि आपका रिंग में जंग भी नहीं लगता, और ख़र्चा भी ज़्यादा नहीं है, 1500 का पड़ेगा आपको दोनों रिंग का कलर। सो गाइज, आप करा सकते हैं। और ये वाला हीरो का लोगो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है, और दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, और रैपिंग पेपर के ऊपर मारने से ये और भी एक कलर जो है खिल के आ रहा है। सो गाइज, 200 रुपये में अगर आपको कुछ ऐसा वाला मॉडिफिकेशन चाहिए, तो आप
करा सकते हैं अपने बाइक पर। सो गाइज देखते देखो रहिएगा, बने रहिएगा अपने चैनल पर और हम नए नए मॉडिफिकेशन लाते रहेंगे। सो गाइज वीडियो का अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और 200 रुपये में आप कराना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ऐसा कुछ। सो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, और एक नया कुछ मॉडिफिकेशन लेके आऊँगा मैं। सो जल्दी मिलते हैं, बने रहिएगा वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।